हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा, फ्यूजी फिल्म कैमरा टेक्निकल स्पेशलिस्ट। मैं पूरा एमपी छत्तीसगढ़ देखता हूँ फ्यूजी फिल्म में एज अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट। अभी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो हम लोग बनाएंगे पूरा XT3 के बारे में कि XT3 कैमरा कैसा है, उसके बटन, स्विचेस, पैनल्स, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसमें कि आपको XT3 में आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे आप उस कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा बटन क्या काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग को XT3 में ऊपर के जो टॉप के डायल्स हैं, इन लोग काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स को इन टॉप के डायल्स को लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है कि किस डायल से क्या ऑपरेट होगा, किस डायल से क्या नहीं ऑपरेट होगा। तो आज हम लोग ब्रीफ में जानेंगे कि XT3 में किस बटन, किस डायल को कैसे यूज़। ये मेरे हैंड में फ्यूजी फिल्म का XT3 कैमरा है। ये दो कलर्स के साथ तो आते ही आता है, विद टू लेंस किट आपको मिल जाएगी। एक आपको मिलेगा 1855, अगेन सेकेंड इज अ 16C F4 किट आता है। ओके, तो ये 1855 F2.82 F4 में, जो कि मेरे हैंड में है। 16C मेरे पास राइट नाउ दिखाने के लिए नहीं है, बट अगर जो आप बाय करते हैं तो मार्केट में 1680 अवेलेबल है विद XT3 किट। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं XT3 के डिज़ाइन के बारे में। ओके, तो इट्स लुक लाइक अ रेट्रो फील देता है पूरा कैमरा। पूरा मेटल में कंपनी ने डिजाइन करा हुआ विद वेदर शील्ड है, विद 1855 लेंस है, जो कि ये भी वेदर शील्ड दिया हुआ है कंपनी ने। 2.82 F4 में लेंस है। तो अगर जब मैं बॉडी में बात करूं तो मेटल के साथ में कंपनी ने टिल्डेबल स्क्रीन दिया है, जो कि आप लो एंगल प्लस हाई एंगल के लिए आप यूज कर सकते हो। इफ इन केस अगर जो आप पोर्ट्रेट लेना चाहो तो आप पोर्ट्रेट के लिए भी यहाँ पे आप टिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी ने आपको दो मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, तो जो कि आप राइट नाउ दो मेमोरी कार्ड कैमरा में यूज कर सकते हो एट अ टाइम, जिसमें आपको फोटो के लिए एक JPG और एक रॉ के लिए फोटो में एज अ बैकअप आप यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। अगेन सिक्वेंसली अगर जो आप वीडियो में यूज करना चाहो कि आपका कार्ड 1 फुल होके कार्ड 2 में ऑटोमेटिकली कैमरा वीडियो करना स्टार्ट कर सके, तो आप पॉसिबल है वो आप सेटिंग्स इंटरनली कर सकते हो। ये बैटरी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे आप बैटरी ग्रिप कनेक्ट कर सकते हो। जो फूजी का बैटरी ग्रिप आता है वो बैटरी ग्रिप के साथ एज अ ग्रिप भी आपको काम करेगा, तो इट्स अमेजिंग। उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप कैमरा में एक बैटरी प्लस बैटरी ग्रिप के अंदर दो बैटरी आप एट अ टाइम यूज कर सकते हो। राइट एट अ टाइम आपका कैमरा 3 बैटरी पे चलेगा कि दो बैटरी आपका ग्रिप में रहेगा प्लस एक बैटरी कैमरा में, तो 3 बैटरी के साथ आप इसका बैटरी ग्रिप के साथ यूज कर सकते हो। तो हम बात करते हैं डिज़ाइन की, बात हो गई। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लुक है। प्लस जब हम लोग हैंड करते हैं कैमरा में, हैंड होल्ड करते हैं, तो हमें पूरा फील देता है लुक लाइक अ रेट्रो। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई पुराना फिल्म रोल जैसा कैमरा चला रहे। इस कैमरा में कनेक्शन पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे माइक के लिए आपको कनेक्शन दिया हुआ है, हेडफोन लगाने के लिए आपको पॉइंट दिया हुआ है कि आप हेडफोन लगाना चाहें तो आप ऑडियो सुन सकते हैं कि आपका ऑडियो कैसा आ रहा है। थर्ड Type-C USB दिया हुआ है, Type-C USB फॉर टेथर शूट करना चाहते हैं या आप कैमरा लाइव पावर बैंक से ऑपरेट करना चाहते हैं। आपकी बैटरी कम है तो आप डायरेक्टली कैमरा लाइव पावर बैंक से भी ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस डेटा ट्रांसफरिंग के लिए तो इट्स अ फास्ट Type-C पोर्ट दिया हुआ है। लास्ट आपका HDMI पोर्ट दिया हुआ है। HDMI के थ्रू आप रिकॉर्डर्स में रिकॉर्ड करना चाहें वीडियो या लाइव आपके कहीं भी स्ट्रीम करना चाहें या TVX स्ट्रीम करना चाहें तो आप HDMI के थ्रू लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। फीचर्स की हम बात करें तो इस कैमरा में 26 मेगापिक्सल स्टिल कैमरा दिया हुआ है, प्लस 425 ऑटो फोकस पॉइंट दिए हैं। सारे फेस डिटेक्शन आपके ऑटो फोकस पॉइंट मिलेंगे 425, प्लस फेस विद आई फोकसिंग दिया हुआ है इस कैमरा में, जो कि आपका फोटो वीडियो और आप अगर जो स्लो मोशन वीडियो भी बनाते हैं तो इस कैमरा में फेस विद आई फोकस काम करेगा। वीडियो की मैं बात करूं तो इस कैमरा में 4K 60p दिया हुआ है विद 4:20:10 bit इंटरनल लॉक, तो दैट इज एडवांटेज कि मैं काफ़ी अच्छे कमर्शियल शूट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ 4K 60p में विद 10 bit इंटरनली रिकॉर्ड में। अगेन स्लो मोशन की बात करते हैं अपन, तो इस कैमरा में 120 फ्रेम पर सेकंड स्लो मोशन दिया हुआ है, जो कि मैं इस कैमरा में 2x 3x 4x अलग अलग मोड्स में यूज करना चाहूँ तो 2x 3x 4x 5x मोड्स में मैं स्लो मोशन वीडियो बना सकता हूँ 120 फ्रेम पर सेकंड। अगेन इस कैमरा में एक सबसे काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया है, अगर जो कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफर है तो फोकस ब्रैकेटिंग करके जो फीचर्स दिया है वो काफ़ी प्रिटी अमेजिंग है।
400% डायनामिक रेंज जो कि आपका 11.2 स्टॉप तक जाती है, तो काफी अच्छी डायनामिक रेंज भी इस कैमरा में दी हुई है। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं इस कैमरा में यूज करने के लिए जो कि आप यूज कर सकते हो। एज अ वेडिंग फोटोग्राफर दिस इज द अमेजिंग कैमरा बिकॉज ऑफ इसका जो कलर साइंस है वो काफी अच्छा है। अगेन 16 फिल्म सिमुलेशन दिए हुए फूजी ने इस कैमरा में जो कि काफी अच्छे हैं कलर करेक्शन के लिए। तो 16 आपको पिक्चर्स प्रोफाइल मिल जाएगी जस्ट लाइक रोल कैमराज जो आप पहले रोल कैमरा में जो फिल्म प्रोफाइल यूज करते थे वो आपको डिजिटल में X-T3 में भी मिल जाएगा। तो काफी सारे फीचर्स हैं, ब्रीफ में इस मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको X-T3 के फीचर्स क्या क्या है, कैसे कैसे आप ऑपरेट कर सकते हो, कैसे फीचर्स यूज कर सकते हो, तो वो सारे फीचर्स के बारे में भी आगे वीडियो पर आगे बताने वाला। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं पहले फ्रंट से स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे कंपनी ने लेंस अनमाउंट करने के लिए एक स्विच दिया हुआ है जिससे कि आप लेंस अनमाउंट कर सकते हैं। अगेन आप माउंट करना चाहें तो यहां पे रेड डॉट दिया है, रेड टू रेड पे लाके आप लेंस को माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जो कि फोकस के लिए है। अगर आप सिंगल फोकस, कंटिन्यूस फोकस या मैनुअल फोकस करना चाहें तो यहाँ से आप फोकस मोड स्विच कर सकते हैं। प्लस एक आपको कस्टम बटन दिया हुआ है जो कि फ्रंट साइड है फोकस बिम में। अगेन यहाँ पे आपको स्क्रॉल डायल दिया हुआ है कि स्क्रॉल डायल से आप कोई भी सेटिंग यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहें तो इस स्क्रॉल डायल पे आप अपर्चर, ISO या कोई भी सेटिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। लेंस पे भी आप जैसा देख पा रहे हैं दो स्विचेस दिए हुए हैं। एक स्विच है आपका अपर्चर के लिए कि अपर्चर आप अगर जो आप इधर की साइड मूव करते हैं तो अपर्चर ऑटो हो जाता है, इधर की साइड आप मूव करोगे तो अपर्चर मैनुअल हो जाएगा जिससे कि आप रिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया हुआ है, जैसे आप इधर की साइड मूव करते हो इमेज स्टेबलाइजर ऑन हो जाएगा, इधर की साइड आप मूव करोगे तो आपका इमेज स्टेबलाइजर ऑफ हो जाएगा। मैं टॉप की बात करूँ तो टॉप पे जो डायल दिया हुआ है दिस इज द डायल फॉर ISO। ये जो ऊपर की टॉप के डायल से ये हमेशा देख के फोटोग्राफर्स कंफ्यूजन होते हैं कि किस डायल से क्या करना है, ठीक है। तो मैं बहुत इजी वे में आपको समझाता हूँ। इधर जो लेफ्ट साइड जो आपके हैंड पे डायल दिया हुआ है दिस इज फॉर द ISO। आप इसको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपका ISO चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या ISO चाहिए आप वो ISO आप लगा सकते हो कैमरा में। यहाँ पे आपको पूरा ISO दिया हुआ है, अगेन स्टॉप्स भी दिए हुए हैं सारे। ऑटो ISO आप यूज करना चाहे तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, अगर जो आप ए पे करते तो कैमरा डायरेक्टली ऑटो ISO पे चले जाएगा। एच पे आप जैसे कैमरा मूव करते हैं तो हाई ISO जो कि कैमरा का सबसे हायर ISO वो कैमरा यूज करेगा। अगेन मैं एल पे जाता हूँ तो कैमरा सबसे लोवेस्ट ISO जो कि बेस ISO इसका फोटोग्राफ में 80 ISO कैमरा यूज करेगा। ओके इधर की साइड जो डायल दिया हुआ है दिस इज फॉर द शटर स्पीड। आप इस डायल्स को देखेंगे तो पूरा शटर स्पीड का डायल है। ये आपको फिल्म रोल के स्टॉक में मिलेगा 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000। तो ये पूरा आपका जो है फिल्म रोल वाला स्टॉक में दिया हुआ है। अभी यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन है, काफी सारे फोटोग्राफर्स का सवाल रहता है कि सर 60 के बाद सीधे 125 है, 60 के बाद 80 या 100 का शटर स्पीड नहीं है। तो यहाँ डायल पे आप जो ऊपर शटर स्पीड लगाओगे उसके बाद जैसे आप थंब से स्क्रॉल करते हो तो दो स्टेप अप जा सकते हो, जो आपने ऊपर शटर स्पीड लगाया है दो स्टेप आप डाउन आ सकते हो। ये कॉर्नर पे जो हमें डायल दिया हुआ है दिस इज फॉर द एक्सपोजर कंपनसेशन कि अगर जो मैं एक्सपोजर कंपनसेशन यूज करना चाहूँ तो मैं प्लस माइनस करके यहाँ से एक्सपोजर कंपनसेशन यूज कर सकता हूँ। पावर ऑन ऑफ की दिया हुआ है यहाँ पे, ओके क्लिक बटन यहीं पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे मीटरिंग मोड दिया हुआ है, अगर जो आप मीटरिंग यूज करना चाहते हो, आप कौन सी मीटरिंग यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारा मीटरिंग मोड दिया हुआ है। इधर की साइड में आता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारे मोड्स दिए हुए हैं। वीडियो मोड, ब्रैकेटिंग मोड में यूज करना चाहता हूँ तो ब्रैकेटिंग, कंटिन्यूस हाई, बर्स्ट मोड मुझे यूज करना है तो मैं बर्स्ट मोड यूज कर सकता हूँ, कंटिन्यूस स्लो, सिंगल शॉट, देन मल्टीपल एक्सपोजर में यूज करना चाहूँ तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। एडवांस में कुछ कंपनी ने इफेक्ट दिए जैसे पॉप कैमरा, टॉय कैमरा, सिंगल कलर सिलेक्शन, तो एडवांस फिल्टर्स में वो मैं सारे मोड्स यूज कर सकता हूँ। लास्ट एंड लीस्ट इट्स पैनोरामा कि मैं डायरेक्टली कैमरा में पैनोरामा बना सकता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा हमें स्विच दिया हुआ है जो कि अगर जो किसी को नंबर का चश्मा लगता है तो वो यहाँ से अपना नंबर का चश्मा एडजस्ट कर सकता है व्यू फाइंडर के अंदर, कि व्यू फाइंडर में जैसे ही देखता है व्यू फाइंडर एडजस्ट नहीं करना है अपने नंबर के चश्मे के हिसाब से तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे व्यू मोड दिया हुआ है, आप जैसे ही बटन प्रेस करोगे तो आप देख पाओगे कि मैं ये अगर जो बटन प्रेस करता हूँ तो मैं जैसे ही प्रेस करूंगा मेरा कैमरा का स्क्रीन बंद हो जाएगा, व्यू फाइंडर ऑन हो जाएगा, देन मुझे स्क्रीन ऑन करना है या मुझे
मेरा कैमरा का सेंसर ऑन करना है तो मैं यही स्विच से सारी सेटिंग्स कर सकता हूँ, मुझे कहीं अंदर जाके सेटिंग्स सारा चेंज करने की जरूरत नहीं है। टॉप पे ही कंपनी ने ये स्विच दिया है। बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्विक मैन्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑटो फोकस लॉक और ऑटो फोकस एरिया लॉक मुझे करना है तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। जॉयस्टिक दिया हुआ है जो कि काफी अच्छा है कि जॉयस्टिक के थ्रू मैं कोई भी ऑप्शन मूव करना चाहूँ या ऑटो फोकस मूव करना चाहूँ मेरा तो मैं जॉयस्टिक के थ्रू कर सकता हूँ। प्लस मुझे लेफ्ट राइट अप डाउन की दी हुई है, मैं लेफ्ट राइट अप डाउन की यूज कर सकता हूँ। दिस इज द मैन्यू की, मुझे कैमरा का मैन्यू ओपन करना है तो यहाँ पे मैन्यू की दिया हुआ है। दिस इज द प्लेबैक की, अगर जो मैं प्लेबैक करना चाहूँ प्रीवियस इमेज पे तो प्लेबैक को डिलीट के लिए की दिया हुआ है। प्लस स्क्रीन पे एक छोटा सा कंपनी ने की दिया है, दिस इज द स्मॉलेस्ट की, यहाँ पे स्क्रीन पे एज अ टच काम करता है। अगर जो मैं एरिया पे डालता हूँ तो मैं टच से ऑटो फोकस पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगेन मैं ऑफ करूंगा तो मेरा टच का ऑपरेशन पूरा बंद हो जाएगा, मेरा फोकस पॉइंट या कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगेन मैं शॉट पे आता हूँ तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा स्क्रीन में टच करके तो मेरा कैमरा शॉट ले लेगा। अगेन ऑटो फोकस में आता हूँ तो मैं जहाँ भी टच करता हूँ कैमरा उसी सब्जेक्ट या उसी पर्टिकुलर जगह पे कैमरा ऑटो फोकस कर लेगा। अगेन एफ के बाद आपका सीधा मोड आ जाता है आपका एरिया, एरिया में वापस आप जहाँ पे मूव करना चाहो वहीं पे आप मूव कर सकते हो। ओके तो दिस इज द पूरा पैनल की है। फ्लैश माउंट करने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है TTL, आप फ्लैश लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और फूजी के XT3 कैमरा के साथ बहुत अच्छी बात ये कि कंपनी का एक्सटर्नल फ्लैश देती है जो कि काफी अच्छा है, EFX8 फ्लैश है ये। दिस इज द TTL फ्लैश, ये मैं कैमरा में माउंट करके यूज करना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ, इसका पावर काफी अच्छा है, 8 to 10 feet तक की रेंज में आपका इजिली कवर कर लेगा। तो दिस इज द अमेजिंग कि मुझे छोटे मोटे काम करना है तो मैं इससे काम कर सकता हूँ। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज कि मुझे इसे चार्ज नहीं करना है, सेल नहीं लगाना, कैमरा की बैटरी पे काम करती है तो दैट इज अ गुड कि मुझे इसको चार्ज वार्ज नहीं करना है, कैमरा की बैटरी से ही ये पूरा काम करेगी। तो इट्स ओवरऑल मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें आपको सारे फीचर्स के बारे में कौन सा फीचर्स कहाँ यूज कर सकते हैं आप तो मेरे साथ बने रहिएगा। आगे फीचर्स में मैं बहुत सारे वीडियोस अभी बनाने वाला हूँ जिसमें आपको फीचर्स और ऑपरेशन के बारे में पता चलेगा कि XT3 के फीचर्स कैसे हैं, क्या है, कौन सा फीचर्स कैसे आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। थैंक यू।